भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर महिला और बच्चे के प्रति अपराध के नाम हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे, जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहाँ पर रखा है। मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है, तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। मान्यवर, इसके बाद जेंडर न्यूट्रल कानून बना है। कई जगह पे कई सारी चीजें छूट गई थी। लड़के और लड़कियों के व्यापार जो एक घृणित अपराध है, इसमें सिर्फ लड़कियों का जिक्र था, वहाँ लड़कों को भी डाल दिया गया है। और आईपीसी की धारा 366A में भी नाबालिग लड़की के साथ बच्चे का भी जिक्र कर इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने का हमने प्रयास किया है। मान्यवर, आतंकवादी कृत्य को इतने सालों के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि पर चढ़ने के बाद 75 साल के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार को। हमारा वादा था मान्यवर इस देश की जनता को कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे और आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। कुछ सांसदों ने, मैं बाद में जवाब देता हूं, कहा है कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थी वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे। आतंकवादी कृत्य कर सादे गुना की सजा में निकल जाते थे। अब हमने ये मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र कर ऐसे लोगों को जेल के बाहर आने का रास्ता लगभग असंभव कर दिया। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बताया भी है, मैंने भाषण पढ़े हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धाराएं और इस सम्माननीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे? आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो, मगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा, इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की है। मान्यवर, इसकी व्याख्या की है, क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है,
और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है,